हेलो क्लैशर्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्लैशिंग ब्रदर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को जो अपकमिंग जो अपडेट आने वाला है और जो अपडेट में जो नया नया चीज़ें आने वाली है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड दोस्तों, मैंने काफ़ी दिनों से 1 वीक से मैंने कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है। सो आज से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। सो जो भी कि सोच रहे कि मैंने यूट्यूब पे जो मेरा वीडियो है वो अपलोड करना बंद कर दिया है, सो उनके लिए एक मैसेज है कि मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना बंद नहीं किया, सिर्फ 1 वीक के लिए बंद किया था। सो आज से फिर मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट जैसे पहले सपोर्ट करते थे, आज भी वैसे ही सपोर्ट कीजिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्लैशर्स, क्लैश ऑफ क्लैंस में जो अपडेट आने वाला है, बड़ा अपडेट, उसके साथ 3 नई चीज़ें आने वाली है। सो ये 3 नई चीज़ें कब आने वाली है, उसकी डेट क्या है, भाई डेट कन्फर्म अभी नहीं हूँ मैं डेट को लेकर, लेकिन ये कन्फर्म है कि हेलोवीन अपडेट के साथ नहीं आने वाला है। ये दिसंबर में जब टाउन हॉल 13 आएगा उसके साथ ही अपडेट के साथ ये 3 चीज़ आपको मिलने वाली है। सो जो भी लोग सोच रहे हैं कि हेलोवीन अपडेट में ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, सो उन लोगों को पहले ही मैं बता दूं कि ये हेलोवीन अपडेट के में इस मतलब ये जो 3 नई चीज़ें हैं वो हेलोवीन अपडेट के साथ नहीं आएगी। सो हेलोवीन अपडेट में क्या क्या चीज़ें आएगी वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, जो मेरा लास्ट वीडियो था। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हेलोवीन अपडेट में क्या आने वाला है, सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप लोग जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। एंड अभी बात कर लेते हैं जो नई 3 नई चीज़ आने वाली टाउन हॉल 13 के साथ। सो टाउन हॉल 13 के साथ भी जो जो नया ट्रूप्स या जो भी आने वाले वो मैंने बता दिया है, लेकिन यहाँ पर गेम थोड़ा चेंज होगी। सो क्या क्या चेंजेस होंगे, 3 नई चेंजेस होंगे। जो पहला है वो है आपके प्रोफाइल। सो यहाँ पर नॉर्मली आप मेरा जो प्रोफाइल है अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। सो यहाँ पर जैसे ही आपका जो टाउन हॉल 13 का जब अपडेट आएगा, सो कुछ इस तरीके से आने वाला है। सो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका क्लैन है वो थोड़ा मिडिल में आ जाएगा। एंड यहाँ पर क्लैन इन्विटेशन, एंड यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर कुछ टैग्स लगे होंगे। सो ये जो पहला चेंज होगी वो है आपकी प्रोफाइल जो है वो चेंज होने वाली है। एंड जो नेक्स्ट है वो है आपकी जो यहाँ पर माय क्लैंस पे अगर आप जाएंगे, सो इस तरीके से आप अपना क्लैन का प्रोफाइल देख सकते हैं। सो क्लैन का प्रोफाइल में भी थोड़ा चेंजेस होने वाले हैं। क्लैन का प्रोफाइल आप कैसा होगा यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सो क्लैन का प्रोफाइल में आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पर आप एक लेवल लगा सकते हैं कि आपका जो क्लैन है वो मेनली किस लिए बना है, वो क्या क्लैन गेम्स के लिए आप मेम्बर्स ढूंढें, या फिर क्लैन वार्स के लिए, ट्रॉफी पुशिंग के लिए, या फिर फ्रेंडली जैसे नॉर्मल होता है वैसे। पता यहाँ पर आप टैग लगा सकते हैं आपके डिस्क्रिप्शन में ताकि प्लेयर्स जो मेंबर्स होंगे वो समझ सके कि इसीलिए मुझे इस क्लैन में आना है। मेनली ये चीज़ होगी। एंड जो भी अगर आपका इनवाइट ओनली लेता है अगर एंड कोई भी अगर ज्वाइन पे क्लिक करता है, इस तरीके से एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि नो थैंक्स एंड यस प्लीज़, मतलब आपका जो नया मेंबर है वो ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करेगा एंड जो को लीडर या एल्डर होगा वो यहाँ पर नो थैंक्स या फिर यस प्लीज़ कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर आप ट्रेडर पर देख सकते हैं कि ट्रेडर, तो पहले ही मैंने बता दिया कि ट्रेडर में बहुत बड़ी एक मिस्टेक है, वो बहुत बड़ी एक मिस्टेक की मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहां से भी वीडियो देख लीजिएगा। सो ट्रेडर्स की यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पर ट्रेडर के पास थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मेनली स्पेस में आने क्या वाला है, इस स्पेस में मेनली जो आने वाला है कि जब आपके बेस पे कोई अटैक करता है तो आपको ट्रेजरी में कुछ गोल्ड एलिक्सर एंड डार्क एलिक्सर मिलता है। यहाँ पर जो स्पेस होगा उसमें आपको वो ट्रेजरी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो पूरा बेस है ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ट्रेजरी जो है वो अटैक के बाद कहाँ है। यहाँ पर आप जैसे ही बेस को ओपन करेंगे अगर अटैक होता है आपके बेस पर, यहाँ पर से जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। एंड यही थी कुछ छोटी मोटी जो अपडेट आने वाली है उसकी फुल इन्फॉर्मेशन। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये डिटेल्स पसंद आई है एंड ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।